Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we will discuss about asymptotes. Asymptotes जो होते हैं इनको बता देते हैं आपको हिंदी में क्या कहते हैं. हिंदी में इनको कहते हैं अनंत स्पर्शियां. हिंदी में अनंत स्पर्शियां इनको कहते हैं. अब सबसे पहले ये समझेंगे कि asymptotes होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन. जैसा कि मैं हर बार वीडियो में जो भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, तो asymptotes का मीनिंग यहां पे ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि asymptotes इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज ऑन द एक्सिस एट इंफिनिटी. देखो सबसे पहले यहां पे जो बात आ रही है स्ट्रेट लाइन की आ रही है, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम यहां पे जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसका हम यहां पे यूज बिल्कुल करेंगे. यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. यहां पे हम इसकी बात तो करेंगे ही करेंगे. तो ये कह रहा है कि asymptotes इज द स्ट्रेट लाइन विच टचेज ऑन द एक्सिस एट इंफिनिटी. इंफिनिटी भी उसको टच कर रही है, यानी कि वो उसको टच नहीं कर रही है, तो वो एक ऐसी लाइन है जो अक्षों को अनंत पर मिलती है या अनंत पर प्रतिच्छेद करती है, टच करती है. ऐसे लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे asymptotes कहते हैं. तो वो लाइन हमको फाइंड करनी होती है, जैसे कोई भी कर्व हमको गिवन होगा तो उन कर्व के लिए जो लाइन हमको फाइंड करनी होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, वो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी उस इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या कहेंगे, asymptotes कहेंगे. वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी, asymptotes. ओके, एक होगी इसकी डेफिनेशन. नोट, एक यहाँ पे एक और asymptotes का एक और जो हम कह सकते हैं टाइप होता है, वो हो जाएगा हमारे पास में ऑब्लिक्यू asymptotes. देखो ऑब्लिक्यू asymptotes क्या होता है, वो भी एक asymptotes ही है, बट द asymptotes विच डू नॉट पैरेलल टू द एक्सिस. वो क्या है, वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल नहीं होते हैं. ऐसे asymptotes जो कि पैरेलल जो है अक्षों के समांतर नहीं होते, उसको ऑब्लिक्यू या हम कहते हैं इसको हिंदी में यहाँ पे कहते हैं त्रियक. ये होते हैं त्रियक अनंत स्पर्शियां. ठीक है, ऑब्लिक्यू का हम यहाँ पे इसको त्रियक के रूप में यूज करते हैं. तो मैंने एक बार सीधा सा इसका मतलब आपको समझा दिया कि ये लाइन होती है, हमको असल में करना क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब आपको कर्व के लिए क्या करना है, इसमें इसके दो मेथड होते हैं, जिसमें हम जो मेथड नंबर वन है उसकी हम यहाँ पे उसका डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मेथड में हमारा इंटेंशन नहीं रहेगा कि सबसे पहले हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, m इज द स्लोप ऑफ द कर्व, एंड सेकंड जो उसका ये c है, c जो होता है यहाँ से आते की डिस्टेंस होती है, आप देख सकते हैं, मान लेते हैं जैसे कोई भी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच की, इसको हम सी कहते हैं. तो ये हमको यहां से फाइंड करना होता है, बस हमारा इंटेंशन इसी में, जो मेथड हम करते हैं उस मेथड में एम एंड सी की वैल्यू फाइंड करके, बिकॉज एक्स जो वाई है वो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं, जो मेथड नंबर वन है. तो मेथड नंबर वन का वर्किंग रूल हो जाएगा हमारे पास में कि फर्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी कर्व है, जैसे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी कर्व आपको गिवन होगा उसको जीरो के इक्वल पुट करना, और क्या करना, वो nth डिग्री का होगा. जैसे मान लेते हैं वो थ्री डिग्री का है, मतलब डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर. देखो डिग्री से यहाँ पे मतलब क्या रहेगा मैं बता देता हूँ, डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन. जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी. लेट यहाँ पर हम कर रहे हैं कि वो nth पावर का, यानी n डिग्री का, वो क्या है, n हाईएस्ट पावर का कोई कर्व हमको गिवन है. उसमें क्या करना होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको उसमें पुट करना है. जहां जहां y है वहां पे आपको क्या पुट करना है, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको पुट करना है सेकेंड स्टेप में. फिर आपको क्या करना है कि उसको जीरो के इक्वल, जो ये है इसको जीरो के इक्वल करके इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करना है, और उसको सिंप्लीफाई करना है. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में एक कह सकते हैं इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें एक्स क्यूब, जैसे हम मान लेते हैं कोई थ्री डिग्री इक्वेशन है, उसमें एक्स क्यूब का टर्म आएगा, फिर इसके साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर आ जाएगा एक्स का टर्म, ऐसे करते करते फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स टू द पावर एन उसकी हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे क्या कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, फिर उससे दो कम, यहां से आगे लिखना चाहिए था, वैसे यहाँ पे दो होना चाहिए था, यहाँ पे इसमें दो कम हो रहा है, फिर वैसे करते करते जीरो तक जाना चाहिए. जैसे हम यहाँ पे थ्री डिग्री की हाईएस्ट लेते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स टू दी पावर वन हो जाएगा, देन एंड जो लास्ट में हो जाएगा वो क्या हो गया, एक्स टू दी पावर जीरो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं. ये इस टाइप से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं. तो ये हो जाएगा जो हमारा थर्ड है इसका मीनिंग.
अब क्या करना है कि नाउ नेमिंग दैट, हमको नेमिंग करना है जो फाई एन एम होगा उसको, हमको जो एक्स टू द पावर एन होगी उसको हमको इस टाइप से लिखना है, फिर फाई एन माइनस वन से लेके आपको क्या करना है इसको इन्फिनिट, जहां तक वो जितनी डिग्री तक है यानी जब तक ये जीरो नहीं हो जाए तब तक आपको यहाँ पे रेस्पेक्टिवली इनको ये नेमिंग करना है। वो हम क्वेश्चन जब करेंगे उस टाइम पे आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार वर्किंग रूल थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वर्किंग रूल से, हमको क्वेश्चन में करना क्या रहेगा। देन हमको क्या करना है कि पुट एन एम जो है उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, यानी जो हाईएस्ट पावर में हमें यहाँ पे है तो उसको एम जीरो के इक्वल पुट करेंगे एंड सॉल्व इट एंड से एम इज इक्वल टू एम वन एम टू एम एन। आपके पास में क्या होगा, अगर हाईएस्ट पावर थ्री है, अगर थ्री लेते हैं हाईएस्ट पावर तो वी विल गेट द थ्री वैल्यू ऑफ दी एम, तो उसको हम कहेंगे एम वन एम टू एम थ्री ये इस टाइप से, बिकॉज जो है यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो थ्री होंगे, और उन जो भी थ्री हमारे पास में सॉल्यूशन होंगे उनको हम क्या कहेंगे इसके रूट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एम वन एम टू एम थ्री या एम एन जितनी डिग्री की आपके पास में कर्व गिवन होगा। अब बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ यहाँ पे आता है उसमें क्या करना होता है, फिफ्थ आने के बाद में आपको क्या करना होता है कि फाई एन माइनस वन, देखो फाई जो है एन एम उसको तो हमने क्या किया जीरो के इक्वल पुट करके यहां से हमने फाइंड की एम की वैल्यू, और एम की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में लेट कर लेते हैं एम वन एम टू एम थ्री ये इस टाइप से चलता चलता एम एन तक चलता रहेगा। देन अब क्या करना है कि फाइव एन माइनस वन यानी उससे एक कम डिग्री, जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एन इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल बात करें एन इज इक्वल टू थ्री हमने लिया, यानी कि थ्री डिग्री कोई इक्वेशन है और उस थ्री डिग्री की इक्वेशन में हमने क्या करना है कि जो एक्स टू द पावर जो फाइव थ्री हो जाएगा जो हाईएस्ट पावर का जो टर्म होगा उसको हमने जीरो से इक्वल करके हमको क्या फाइंड करना है एम फाइंड करना है। अब क्या करना है उससे एक कम यानी कि फाइव टू वाला जो टर्म होगा उसको हमको जीरो के इक्वल करके फिर क्या करना है एंड सॉल्व इट एंड से सी इज इक्वल टू जी एम, फिर क्या करना है इसको सॉल्व करके जी एम के इक्वल करना है एंड फाइंड सी फॉर ईच एम, फाइंड सी फॉर ईच एम जो हमको जो सारे एम मिले जैसे एम वन एम टू ये जितने भी एम है इन सब के लिए आपको क्या करना है सी फाइंड करना है। तो सी की जो भी वैल्यू आएगी उसमें जैसे हमारे पास में जैसे हम थ्री डिग्री की बात करते हैं तो देर आर वी विल गेट थ्री वैल्यूज ऑफ एम, देन उन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है तो यहाँ पे पुट करने के बाद में हम सी की भी तीन वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं तीन का यूज यहाँ पे बार बार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू जो है वो थ्री कैलकुलेट कर रहे हैं, इस टाइप से हमारे पास में क्या हो जाएंगे कि थ्री या फिर हमारे पास में एम जो है वो एम की वैल्यू आ जाएगी और एन ही आ जाएगी सी की वैल्यू। तो अब क्या करना है आपको जो डेफिनेशन उसमें हमने क्या कहा था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब उस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको ये पुट करना है, देन ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, देखो x वेरिएबल है y वेरिएबल है, फिर क्या करना आपको एम वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है फिर यहाँ पे सी वन की वैल्यू पुट करनी है देन we will get the equation of asymptotes, यहाँ पे जितनी टर्म होंगी जितनी इनकी एम की या इसकी वैल्यू होगी आगे से आगे चलता जाएगा और v is equal to आगे क्या हो जाएगा एम एन एक्स प्लस ये हो जाएगा सी एन, इस टाइप से आगे से आगे डॉट डॉट करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जितने हाईएस्ट पावर की डिग्री होगी उतने उसके एसिम्प्टोट्स होंगे यानी उतनी उसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उस पर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपको जो है यहाँ पे एंड जो है एंड स्क्रीन में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस एंड स्क्रीन में आप इसको वीडियो पे क्लिक करके आप जो है इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।